नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में जो इक्वेशन है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच में तनातनी खुलकर सरेआम सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें टैग करते हुए घेर दिया। दरअसल हुआ क्या था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग क्यों किया एलजी ने, ये भी आपको बता देते हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया, वहां पर गंदगी नजर आई उन्हें वहां पर सड़कों की हालत खराब नजर आई, जिसके बाद उन्होंने वो तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री को टैग किया और साथ ही उन पर तंज भी कसे। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखा और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से भी पलटवार किया गया, जवाब दिया गया, तंज खुलकर कसे गए, हमला बीजेपी पर भी हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने उपराज्यपाल को लेकर अपने बयान में ये तक कह दिया कि आखिर उपराज्यपाल वहां गए क्यों थे, क्या कुछ कहा है, पहले सौरभ भारद्वाज ने आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की डिटेल भी दिखाएंगे। देखिए, अभी पिछले ही दिनों एलजी साहब ने पत्र लिख के सीएम सर को कहा कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। और अब किराड़ी बुराड़ी संगम विहार में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हैं, तो एलजी वहां क्यों गए, नंबर एक। एलजी अफसरों को भी लेके गए, नंबर दो। तो जब एलजी को मालूम है कि जो अफसर अपना काम नहीं कर रहे, जिनकी कमियां एलजी साहब खुद अपने ट्विटर के अंदर बता रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, तो उन अफसरों पे कार्रवाई करने का जो शक्ति है वो तो एलजी साहब के पास ही है, मुख्यमंत्री जी के पास तो है ही नहीं, ना मेरे पास है ना आतिशी के पास है। तो एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, इन अफसरों को सस्पेंड कीजिए। तो चाहे वो जल बोर्ड के CEO हों, MCD के कमिश्नर हों, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, ये तीनों अफसर एलजी साहब के चहेते अफसरों में माने जाते हैं और वो काम अच्छा नहीं कर रहे, एलजी साहब खुद कह रहे हैं। जगह जगह जो है उनके कामों के अंदर कमियां एलजी साहब निकाल रहे हैं, तो एलजी साहब उन पे एक्शन करेंगे क्या? मैं ये मानता हूं एलजी साहब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पूरी दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। देखिए, ये बात तो साफ है कि अफसरों के ऊपर दबाव बनाया गया है कि काम ना करें, इसीलिए अफसर काम नहीं कर रहे और इसीलिए एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं का दबाव है कि काम नहीं करना है। आप ही ने कहा है काम नहीं करना है, फिर अफसर अगर काम नहीं करेंगे तो आप उन पर एक्शन कैसे लेंगे, क्योंकि आप ही के कहने पे तो काम नहीं कर रहे। इसीलिए हमने कहा कि एलजी साहब इन अफसरों पे कार्रवाई करें और मैं ये भी कह रहा हूं कि एलजी साहब इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सुना आपने सौरभ भारद्वाज को, उन्होंने एक तरफ जहां ये कहा कि कुछ दिन पहले तो उपराज्यपाल ये बता रहे थे कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आते हैं, और अब वो क्यों चले गए उन इलाकों में जहां पर उनका कोई विभाग नहीं है, ये तमाम बातें आपने सुनी अभी सौरभ भारद्वाज की ओर से। लेकिन साथ ही सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों पर एक्शन लेने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो एलजी साहब के पास है। तो क्या एलजी साहब एक्शन लेंगे, जवाब भी खुद ही दे रहे थे यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, कह रहे थे कि कोई एक्शन नहीं होगा। अब आपको वो तमाम तस्वीरें और वो पोस्ट सोशल मीडिया की दिखाते हैं जो एलजी की ओर से की गई थी, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 मार्च को कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग किया था। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा, स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर कल संगम विहार गया था, 9 साल के शिगुफों के बावजूद इलाके में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोग मूलभूत जन सुविधाओं से वंचित हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, न सड़कें हैं, न सीवर, न कूड़े की सफाई। इसके बाद उन्होंने लिखा, बेतरतीब लटकती बिजली की तारे खतरनाक हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मेरे सामने ही रिक्शा पलटा और एक महिला घायल हुई। उफनती नालियां, कचरे के ढेर और सीवर के बदबूदार पानी से भरी गलियां भारत की राजधानी में होगी, देश इसकी कल्पना नहीं कर सकता।
संबंधित विभाग INFC, जल बोर्ड, शहरी विकास, DSIIDC पूर्णतः दिल्ली सरकार के अधीन है और MCD भी आपके तहत ही है। ऐसी ही स्थिति मैंने किराड़ी और बुराड़ी में भी देखी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध है कि दिल्ली और दिल्ली की आम जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दे। आपकी जानकारी के लिए कुछ तस्वीरें संलग्न कर रहा हूँ। अब जब उपराज्यपाल की ओर से ये तमाम बातें कही गई सोशल मीडिया पर, वो भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए, तो मुख्यमंत्री ने भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया जवाब देने में उपराज्यपाल को सोशल मीडिया पर ही, और उन्होंने अपने जवाब में सवाल भी खड़े किए हैं उपराज्यपाल पर, साथ ही साथ निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर, और उसके बाद उन्होंने एक्शन भी लिया है इस मामले में। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपराज्यपाल को जवाब देते हुए, वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, LG साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी कमियां बताई। इसके पहले आपने किराड़ी और बुराड़ी की कमियों को भी उजागर किया था। मैं अभी मुख्य सचिव को आदेश दे रहा हूं कि वो 7 दिन के अंदर इन सभी इलाकों की इन सभी कमियों को दूर करे। जो काम आप कर रहे हैं वो काम विपक्ष को करना चाहिए था। सत्ता पक्ष की कमियां निकालना विपक्ष का काम है। दुर्भाग्यवश आज विपक्ष यानी BJP के 7 सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त हैं और 8 विधायक गहरी निद्रा में सोए हैं। यही कारण है कि दिल्ली की सत्ता पिछले 26 साल से BJP से दूर है। इसलिए मजबूरीवश LG के संवैधानिक पद पर होते हुए भी विपक्ष की भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। जो कमियां आपने बताई हैं, जिन अधिकारियों को ये काम करने थे और उन्होंने नहीं किए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सर्विसेज और विजिलेंस आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर ये मेरे अंडर होता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड करता, बल्कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेता कि फिर कोई अधिकारी ऐसी कोताही करने की हिम्मत ना करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विभागों के सबसे सीनियर अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करेंगे और उन्हें एग्जाम्पलरी सजा देंगे। 2 करोड़ दिल्लीवासी आपके एक्शन का इंतजार करेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया उपराज्यपाल को जवाब देते हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी है और वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर भी की है, जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते का समय मुख्य सचिव को दिया है कि जो कमियां उपराज्यपाल की ओर से उजागर की गई हैं उन इलाकों में वो कमियों को दूर किया जाए। 12 मार्च का समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है, लेकिन साथ ही उपराज्यपाल से उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और यही बात जो है वो सौरभ भारद्वाज की ओर से भी कही गई कि जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन लेने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उपराज्यपाल के पास है, तो उपराज्यपाल को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एक्शन होगा नहीं। फिलहाल देखेंगे कि इस पूरे मामले में उपराज्यपाल की ओर से अब क्या कार्रवाई होती है। अधिकारियों को लेकर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, उनकी तरफ से जो बात कही गई है, क्या उस पर उपराज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई रिएक्शन आता है, या कोई एक्शन वो अधिकारियों पर करते हैं। फिलहाल अब लग रहा है कि एक और बड़ा मामला दिल्ली में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्ट्रोवर्सी, बवाल कहें, कुछ भी कहें, जो आपको समझ में आए, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में एक बार फिर से मन मुटाव जो है वो सरेआम खुलेआम दिख रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।